हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस, मार्केट से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, साथ ही में एकदम प्योर इंग्रेडिएंट से बना हुआ, एकदम हाइजेनिक तरीके से बना हुआ ब्लैक करंट आइसक्रीम की रेसिपी। और मैंने आपके साथ बहुत बार आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की है और हर बार आप को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, तो फिर से आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखिए, इसका एकदम क्रीमी, स्मूथ एंड सिल्की टेक्सचर। वाओ, देख सकते हैं कितना बढ़िया आइसक्रीम बना है। और जब हम घर पे बनाते हैं तो हम प्योर इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, प्योर दूध यूज़ करते हैं और हर चीज़ जो है वो एकदम बेहतरीन क्वालिटी की यूज़ करते हैं। तो आइसक्रीम गर्मियों में हम रोज़ाना ही खाते हैं, और अगर आप जाओगे मार्केट में आइसक्रीम लेने तो वो दूध से बनी हुई नहीं होती है। बहुत कम ऐसी ब्रांड है जो प्योर मिल्क का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ बाकी सारे जो आइसक्रीम मिलते हैं मार्केट में वो वेजिटेबल फैट में से बनाए जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। और आइसक्रीम के बिना यार समर्स तो निकलते ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि डेली आइसक्रीम खाने का मन करता है। और अगर हम बाहर से रोज़ रोज़ आइसक्रीम खरीद के लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी तो होती है, लेकिन इतने पैसे देने के बावजूद हमें अच्छी चीज़ खाने को नहीं मिलती है। तो क्यों ना हम घर पे ही आइसक्रीम बनाएं, और मार्केट से भी बेहतरीन आइसक्रीम बनेगी, बिलीव मी, आई गारंटी। एंड साथ ही में इसको हम घर पे बना रहे हैं तो असली दूध यूज़ करेंगे, अच्छे वाले इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, और इससे ये जो आइसक्रीम बनेगी ना वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है। अभी इतनी गर्मी है कि बहुत बहुत जल्दी आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है। तो चलिए फिर ये क्रीमी क्रीमी, टेस्टी टेस्टी, डिलीशियस आइसक्रीम की रेसिपी कैसे बनती है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है जिसको मैंने हल्का सा पानी से गीला कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा लीटर यानी कि 500 ml फुल फैट मिल्क। तो आप किसी भी फुल फैट मिल्क का ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसमें रिचनेस ज़्यादा होती है और क्रीमीनेस भी ज़्यादा होती है। अब इसमें से लगभग एक कप के करीब मिल्क हम दूसरे बोल में अलग से निकाल लेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ पाउडर्स ऐड करने हैं। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 8 बड़े चम्मच यानी कि 8 टेबलस्पून शुगर लिया है जो एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको स्वीटनेस ज़्यादा चाहिए तो आप 1 चम्मच ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब इस दूध को गर्म होने के लिए गैस पे रख देना है और चीनी मेल्ट हो जाए तब तक इसे गर्म करना है। तो अब ये जो दूध हमने अलग निकाला है उसमें 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ का पाउच लिया है मिल्क पाउडर का, उसमें 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर होता है। इससे हमारा आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, तो किसी अच्छे पैकेट वाला ही यूज़ कीजिएगा, इससे हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें ऐड करना है GMS पाउडर, ये प्योर वेजिटेरियन है, इसके ऊपर हरा निशान है, तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं और ये लगभग 45 से 50 रुपीज़ में आ जाता है, तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और ये इमल्सीफायर का काम करता है। तो यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून GMS पाउडर ऐड कर देना है और ये सारी रेडीमेड आइसक्रीम में एडेड होता है। अब इसमें ऐड करना है सिर्फ 2 चुटकी 1/8 टीस्पून CMC पाउडर, ये भी प्योर वेजिटेरियन है और ये बहुत कम ऐड करना है, इसको बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, और ये स्टेबिलाइज़र का काम करता है। अब इन सारे पाउडर्स को अच्छे से मिक्स करने के लिए इसमें हैंड ब्लेंडर चला देना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाए और इसमें कोई भी लम्स ना रहे, या तो फिर आप इसको हैंड विस्कर से भी मिक्स कर सकते हो।
अब यहाँ पे जो हमारा दूध गर्म होने के लिए रखा था वो अच्छे से थोड़ा गर्म भी हो चुका है और इसके अंदर जो हमने चीनी ऐड की थी वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को पहले बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब जो हमने सारे पाउडर्स अलग दूध में मिक्स करके रखे थे वो धीरे धीरे करके ऐड करते जाना है और ये जो स्पैचुला है उसको कंटिन्यूस चलाते जाना है। तो पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम अभी भी बंद है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो अब हम गैस की फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे। तो मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम पे इस दूध को 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है और कंटिन्यूस चलाना है वरना जो कॉर्नफ्लोर है वो तले में जाके चिपक जाएगा। और धीरे धीरे ये जो दूध है वो जैसे जैसे गर्म होगा गाढ़ा होता जाएगा। तो ये आइसक्रीम बहुत ही सस्ती बनती है क्योंकि हमें इसमें 500 ml ही दूध लगेगा लेकिन जब ये आइसक्रीम बनके रेडी होगी तो 1.5 लीटर से भी ज़्यादा बन जाएगी। तो ये देखिए जैसे जैसे ये दूध गर्म हो रहा है वैसे वैसे ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है कॉर्नफ्लोर की वजह से। तो इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है और 5 मिनट के लिए जस्ट इसको उबाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो रहा है और इसमें कोई भी लम्प्स नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि इसको मैं कंटिन्यूसली चला रही हूँ। ये देखिए अब इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है और ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया है। जो हमने सारे पाउडर्स यूज़ किए थे वो अच्छे से पक गए हैं और इसमें अब बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं उबालना है। ये देखिए अभी मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। मैंने जस्ट इसको 3-4 मिनट ही बॉईल किया है। अब मैंने इसको गैस से नीचे उतार लिया है और अब इसको रूम टेम्परेचर तक चलाते हुए ठंडा कर लेना है क्योंकि इसके ऊपर मलाई जमना शुरू हो जाती है तो वो प्रोसेस हमें नहीं होने देना है। तो इसको कंटिन्यूस चलाते हुए मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है ये देखिए। तो अब यहाँ पे हमारा जो आइसक्रीम का बेस है वो रेडी है। तो अभी इस आइसक्रीम के बेस को एक प्लास्टिक के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसे बहुत अच्छे तरीके से जमाने के लिए फ्रीज़र में रख देना है। तो इसका ढक्कन बंद कर देना है और इसको फ्रीज़र में रख देना है जब तक कि ये आइस की तरह एकदम कड़क ना हो जाए और जम ना जाए। तो ये देखिए 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और अब ये जो आइसक्रीम का बेस है वो अच्छे से जम गया है। तो बस अब इसको हमें फिर से बीट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है जिसमें मैंने ठंडा पानी लिया है और थोड़ा सा बर्फ़ भी ऐड किया है। तो इस तरीके से आइस बाथ रेडी करना है। इसके ऊपर मैंने 2.5 लीटर का पतीला रखा हुआ है और ये जो आइसक्रीम का बेस है उसे इस पतीले में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो इसके टुकड़े करके ऐड कर देना है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये बेस आप देख सकते हैं पिघलना शुरू हो गया है लेकिन हमें इसे पिघलने बिल्कुल नहीं देना है। इस तरीके से हार्ड होना चाहिए और पहले हम इसको थोड़ा सा स्पैचुला से ही क्रश कर लेंगे क्योंकि इसको हमें बीट करना है तो हमारा बीटर मशीन ख़राब ना हो जाए इसलिए इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो इस तरीके से स्पैचुला से टुकड़े कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है इलेक्ट्रॉनिक बीटर। आपके पास नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हैंड विस्कर का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा आइसक्रीम का बेस बहुत ज़्यादा कड़क है आप देख रहे हैं तो हम इसको एकदम लो स्पीड पे बीट करेंगे ये देखिए वरना हमारी मशीन ख़राब हो जाएगी। पहले हम सारे टुकड़ों को अच्छे से बीट करेंगे और जब ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा इसमें कोई टुकड़े नहीं रहेंगे उसके बाद हम इसको एकदम हाई स्पीड पे बीट करेंगे। तो ये देखिए थोड़ी ही देर में ये जो सारे आइसक्रीम के बेस के टुकड़े थे वो मेल्ट हो चुके हैं क्रीमी हो चुके हैं। तो अब इसको हम एकदम हाई स्पीड पे एकदम मैक्सिमम स्पीड पे बीट करेंगे और जैसे जैसे हम इसको बीट करेंगे इसके अंदर एरिएशन होगा यानी कि हवा भर जाएगी जिसकी वजह से हमारा जो ये आइसक्रीम है वो 500 ml में से 1.5 लीटर के करीब हो जाएगा। कभी कभी उससे ज़्यादा भी बन जाता है और कभी कभी 1.5 लीटर से थोड़ा सा कम भी बनता है।
तो यहाँ पे GMS पाउडर इमल्सीफायर का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा जो आइसक्रीम है 500 ml में से 1.5 लीटर के करीब हो जाता है। अब यहाँ पे 3-4 मिनट हो गए हैं और इसको हम 1 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, वरना ये मशीन बहुत ज़्यादा गर्म होके ख़राब हो सकती है। तो 1 मिनट के लिए हम मशीन को बंद कर देते हैं, फिर से 1 मिनट के बाद इसको बीट करेंगे। तो 1 मिनट मैंने इसको रेस्ट दे दिया था, अब 1 मिनट के बाद मैं फिर से इसको हाई स्पीड पे बीट कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें इसको बीट करते रहना है लगभग 16 से 18 मिनट के लिए, और बीच बीच में आप इस मशीन को 4 मिनट के बाद 1 मिनट के लिए बंद कर दीजिएगा। तो टोटल हमें 16-18 मिनट्स के लिए बीट करना है हाई स्पीड पे, और 3-4 बार मशीन को आप 1 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारी आइसक्रीम जैसे जैसे बीट हो रही है उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। देखिए फिर से मैंने मशीन को 1 मिनट के लिए ब्रेक दे दिया है, और जैसे जैसे हम इसको बीट करेंगे आप देखिए इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसका कलर एंड टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, कलर एकदम वाइटिश हो रहा है और इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी एंड सिल्की एंड स्मूथ हो रहा है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इससे जो है वो हमारी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा स्मूथ बनती है। बिलीव मी, आप मार्केट की आइसक्रीम के साथ इसको कंपेयर करना, इट्स अनबिलीवेबल, बहुत ज़्यादा क्रीमी आइसक्रीम बनती है। और अब आप देख सकते हैं ये जो पतीला है ना वो पूरा ऊपर तक भरने को आया है, और लगभग यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं इसको बीट करते हुए, और अभी आप इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं कितना बढ़ गया है। और अभी यहाँ पे मैंने 16 मिनट तक इसको बीट कर लिया है, और अभी ना इसका वॉल्यूम बढ़ना बंद हो गया है, यानी कि अब ये फूल नहीं रहा है। तो ये कितना फूलेगा ना, ये GMS पाउडर की क्वालिटी पर डिपेंड है कि आप कौन सी ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, कितना फ्रेश है GMS पाउडर, इसी से आपका जो आइसक्रीम का वॉल्यूम है वो अच्छा बढ़ता है या तो फिर अच्छा नहीं बढ़ता है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको बीट किया है, और आप देख सकते हैं बीटर के ब्लेड्स ना अभी इसके अंदर पूरे चले गए हैं, इतना ज़्यादा आइसक्रीम फूल करके डबल हो गया है। तो ये देखिए इसका क्रीमीनेस आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रीमी अभी से दिख रहा है, अब इसका वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। तो जब ये स्टेज पे पहुंच जाए उसके बाद हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ, इसके जगह पे आप आइसक्रीम एसेंस मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी आपकी पसंद का एसेंस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप घर के दूध की मलाई, दूध को गर्म करने के बाद उसके ऊपर मलाई जम जाती है, तो ये 2 दिन की मलाई है, तो मलाई एकदम फ्रेश ही यूज़ करना है, जिसको मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया था, और मलाई को भी एकदम चिल्ड करके ही यूज़ करना है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप रेडीमेड फ्रेश क्रीम या व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। अब ये जो मलाई है इसका टेक्सचर क्रीमी नहीं है, तो अब इसको हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे, ताकि हमने जो मलाई ऐड की है वो अच्छे से क्रीमी हो जाए। अगर आप फ्रेश क्रीम या व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 5 मिनट के लिए और बीट कर लेना, ताकि वो अच्छे से क्रीमी हो जाए। और ये देखिए अभी मैंने इसको 3 मिनट के लिए और बीट कर लिया है, और इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया है। तो यहाँ पे हमारा प्लेन वेनिला आइसक्रीम रेडी है, अब आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक करंट क्रश, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून के करीब। तो आप इसकी जगह कोई भी क्रश यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, या फिर चॉकलेट आइसक्रीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें से क्या बनाना चाहते हैं। तो अच्छे से इसको बीट कर लेती हूँ, ताकि ये जो क्रश है वो आइसक्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे अच्छा कलर लाने के लिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ब्लैक करंट आइसक्रीम रेडी है, आप देख सकते हो पूरा पतीला ऊपर तक भर गया है, यानी कि ये 1.5 लीटर जितना तो रेडी हो गया है। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं कंटेनर में। तो ये वही कंटेनर है जिसमें मैंने आइसक्रीम के बेस को भरा था, आप देख सकते हैं कि वो कितना कम भरा था, और हमारे पास अब ये जो आइसक्रीम रेडी हुआ है वो कितना ज़्यादा रेडी हुआ है,
ये डब्बा देखिए पूरा ऊपर तक भर गया है और अभी भी पतीले में बहुत सारा आइसक्रीम बाकी है। तो कितना ज़्यादा आइसक्रीम बनके रेडी होता है आप देख सकते हो। अभी हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव करेंगे, मार्केट स्टाइल इसका हम लुक बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा क्रश के ना डॉट्स कहीं कहीं पे रख दिए हैं, एक टूथपिक से ना इस तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लेंगे तो लुक वाइज भी ये बहुत अच्छा दिखेगा। और इसके ऊपर बर्फ़ ना जमे, आइस क्रिस्टल्स ना जमे, इसलिए इस तरीके से आप बटर पेपर या तो फिर कोई प्लास्टिक की शीट लगा सकते हैं। और ऐसे पाउचेस हम सबके घर में होते हैं। उसके बाद हम लीड को बंद कर देंगे। अब जो पतीली में आइसक्रीम बचा हुआ है उसको भरने के लिए लिया है मैंने 500 ml का ये दूसरा कंटेनर, और ये भी पूरा भर जाएगा। इतना सारा आइसक्रीम बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए इसको भी हम सजा लेते हैं। तो थोड़ा सा क्रश ऐड करेंगे और टूथपिक से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो जब हम इसको सर्व करेंगे ना तब ये बहुत अच्छा लगेगा। और प्लास्टिक शीट को हमें इस तरीके से रखना है, देखिए आइसक्रीम को टच होना चाहिए ताकि हमारी जो आइसक्रीम है उसमें बिल्कुल भी बर्फ़ ना जमे। लीड को बंद करके इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे तब तक जब तक ये अच्छे से सेट हो जाए, जम जाए, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो आइसक्रीम है वो अच्छे से जम गई है और अब हम इसको सर्व करेंगे। घर पे बनी हुई, एकदम प्योर इंग्रेडिएंट से बनी हुई हमारी होममेड हाइजीनिक आइसक्रीम, जो हाइजीनिक तो है, प्योर इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, लेकिन साथ ही में ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है क्योंकि सिर्फ 500 ml दूध में से ये 1.5 लीटर बनके रेडी हुई है। और ये देखिए मैंने इसके ऊपर से जो कवर हटाया है, इसके बाद आप इसका टेक्सचर देखिए, एकदम ज़्यादा क्रीमी आइसक्रीम है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है, बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमी हुई है। और ये देखिए, ओ लवली, जस्ट लुक एट द टेक्सचर, एकदम ज़्यादा क्रीमी क्रीमी, माउथ मेल्टिंग है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ये आइसक्रीम बहुत जल्दी से मेल्ट हो रही है। तो मैं इसको कर देती हूँ फटाफट से सर्व। ये देखिए एकदम ज़्यादा क्रीमी आइसक्रीम बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बिलीव मी, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, गारंटी है आप कभी भी मार्केट से आइसक्रीम नहीं लाओगे। ये लीजिए, तैयार है हमारी ब्लैक करंट आइसक्रीम और ये फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बिलीव मी, हमारे घर पे गेस्ट भी आए थे, इनको भी मैंने ये आइसक्रीम दी थी तो उन्हें भी ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये देखिए जैसे जैसे ना गर्मी की वजह से मेल्ट हो रहा है, इसका क्रीमी टेक्स्चर आप देख सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया आइसक्रीम बनती है। बिलीव मी, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और ये इतना अच्छा बना है ना कि मैंने सोचा चलिए इसको एक अच्छे से बढ़िया से ग्लास में भी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो जब आप इस आइसक्रीम को गर्मियों में बनाएंगे और इस तरीके से बढ़िया से ग्लास में सर्व करेंगे ना, तो बिलीव मी किसी को ये लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर पे बनाया है। ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनी है। मार्केट स्टाइल क्या, मैं तो कहूँगी मार्केट में भी ऐसी आइसक्रीम नहीं मिलेगी, मार्केट से भी कई गुना बेहतरीन ये आइसक्रीम बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी है कि मैंने इसको सर्व किया है और अभी मैं इसका शूटिंग कर रही हूँ और ये इतनी जल्दी जल्दी पिघल रही है, इसकी वजह से आपको इसका क्रीमी टेक्सचर भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको ज़रूर से बनाइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।